अभी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है एक्स एमपी पूर्व सांसद अंडमान निकोबार के विष्णु पदराय जी। जितना विरोध हमने अंडमान निकोबार कांग्रेस के लिए किया, कोई पार्टी नहीं किया, कोई व्यक्ति नहीं किया। हम किसी को छोड़ा नहीं है, सीबीआई भी करा दिया। जो आरोप लगाते मेरे ऊपर में, मैं लगता अपना मैं मन से कोई गलती काम नहीं किया। इस पर आरोप कोई लगाए मुझे उसमें कुछ बोलना नहीं है। दर्द होता है, मेरे पास ऑफर तक पूरा, मैं 25 करोड़ एमपीलैड में काम किया, ऑल इंडिया फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, 25 पैसे किससे नहीं लिया मैं। सीआरएफ का फंड लाया 240 करोड़, कोई नहीं बोलेगा पैसे किससे मैं लिया। म्यूनिसिपल रोड मैंने बनाया सीआरएफ फंड से। उत्तरा ब्रिज बाटन ब्रिज किसने लाया था, नेशनल हाईवे कौन लाया था? बट दुख लगता है रोशन प्रोग्राम मुझे बुलाता नहीं है, ऐसा क्यों करेगा प्रसाद बीबीआर? सेलर जेल में मुझे बैठा है 3 दिन के पीछे में, एक संगीत प्रोटोकॉल भी तोड़ता है लोगों ने। ये क्या सही है क्या? जिस पार्टी का पेड़ मैंने बनाया उस पेड़ को मेरे हाथ से मैं नहीं काटूंगा। टिकट मुझे ना दे बीजेपी में रहूंगा। Of Andaman this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of sarees, casual sarees, formal sarees, pachi wear designer sarees, hand-loom sarees, hand-embroidered saree, hand-wove sarees, bridal sarees, ready-to-wear sarees, designer, premium range of lehengas, ready designer blouses, hand-embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. नमस्कार, न्यूज अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे बॉबी। अभी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है एक्स एमपी पूर्व सांसद अंडमान निकोबार के विष्णु पदराय जी। उनसे बात करेंगे। हाल ही में हमने एक खबर चलाया थे जिसमें हमने यह कहा था कि अंडमान निकोबार के अभी के जो एमपी है श्री कुलदीप राय शर्मा जी, और उनके साथ में हाल ही में कुछ प्रोग्राम्स में जो है विष्णु पदराय जी, जो कि पूर्व सांसद अंडमान निकोबार के, और अंडमान निकोबार में 3 बार जो है सांसद चुने गए थे, वैसे में उनका अभी के जो एमपी है श्री कुलदीप राय शर्मा जी के साथ में जुड़ने से क्या वाकई में लोग खुश है? क्योंकि उनका एक छवि ऐसा है, लोग भी कहते हैं, हमने भी कई बार देखे हैं कि एक दिग्गज नेता में उनको माना जाता है पूरे अंडमान निकोबार में। उसका रीज़न ये है कि सरकार में हो या सरकार में नहीं हो बल्कि विपक्ष में हो, विष्णु पदराय जी अपना आवाज़, लोगों की तकलीफ जनता के बीच, प्रशासन के सामने और सरकार के सामने अक्सर लाते हैं। तो वैसे में ऐसा एक एमपी जो अंडमान निकोबार के सारे लोग मानते हैं, जो पब्लिक के कोई भी इशू हो, आज देखेंगे कोरोना के बाद से, चाहे वो टूरिज्म जगत हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर में कई सारे समस्या है, मगर एकमात्र एमपी अंडमान निकोबार के अभी के जो है कुलदीप राय शर्मा जी कभी जो है आवाज़ नहीं उठाते, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो सरकार के सामने हो, कभी जो है आवाज़ नहीं उठाता, ये कहना है लोगों का, और ये खुद हमने भी कई बार देखे हैं। तो वैसे में विष्णु जी का इस प्रोग्राम में शामिल होने का क्या मकसद है, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक गंभीर, एक तरह से बोल सकते हैं कि आरोप कह सकते हैं कि आप वहाँ पे मिल रहा है, उनसे जुड़ रहा है, तो ये क्या आने वाले दिनों में अंडमान निकोबार के पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आने वाले हैं? जनताओं को आशीर्वाद, नमस्कार। खास करके वो भी जो बात किया मेरे बारे में, तारीफ का जो बात उन्होंने कहा, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। मैं अंडमान निकोबार में 75 में आया, 25 रुपीज लेकर, लेबर का काम किया, कंपनी में काम किया, पीएलएस में काम किया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मेरे घर में 5 दिन रहा, हमने पार्टी शुरू किया अप्रैल 23, 1990।
किसी हिंदी आता नहीं था, रहने का जगह नहीं था, खाने का जगह नहीं था। पार्टी के कार्यक्रम से कुछ लोग मिला, कुछ लोग मिला नहीं, कितना दिन खाया नहीं, रोया नहीं, बहुत कुछ घटना घटा। बट ईश्वर का कृपा, गुरु की कृपा से 9 साल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया। मैं अंडमान निकोबार का पीएमपी बन के पार्लियामेंट में गया। वाजपेयी जी बोला काला पानी कमल, काला पानी में कमल खिलाए। मैं अपना जिंदगी में धोखाधड़ी कभी नहीं किया होगा, बेईमानी कुछ नहीं किया होगा, चोरी मैं बिल्कुल नहीं किया। ये सब लोग बोलता, मोदी जी भी बोलता है। एक प्रोग्राम था मोदी जी का ब्रेकफास्ट पार्टी, रामलाल जी था, अमित शाह जी था। उस कार्यक्रम में मुझे देख के बोला विष्णु बद्रा ईमानदार एमपी है, सबसे ज्यादा तकलीफ करके पैसा लेके अंडमान जाता है, उसे काम सीखो। जो बात में मैं गया था घटना में आता हूं। हम एमपी का नाते हमारे साथ संबंध बहुत लोग को है। स्वामी पूरन मारियावेल टेम्पल, तमिल में नाम बोलने से गलती से माफ कर लेना, उसके प्रेसिडेंट सुब्रमण्य जी से नाता हमारा बहुत पुराना काल से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आए, वो हम भी स्वयंसेवक आए, बीजेपी से भी आए। उसको सेक्रेटरी था, हम लोग को कार्यकल बल्लाबन, ये भी स्वयंसेवक आए, बीजेपी में काम किया, वो मुझे बुलाया सेक्रेटरी। राजगोपाल गोल्ड स्मिथ ट्रेजरर है, ये तीनों मुझे मांग करके एमपीलेट बिल्डिंग बनाया कम्युनिटी हॉल के लिए। ओपनिंग का डे में तीन लोग मुझे बुलाया, कुलदीप जी का फोन आया। मैं बिना दोष देख के उन्होंने, जिन्होंने मुझे पार्टी में मदद किया, साथ दिया, उनका कमेंट बनाया, उनको बात को मैं प्राधान्य दिया, मैं गया। मेरा साफ चरित्र पिक्चर है, जितना विरोध मैं अंडमान निकोबार कांग्रेस के लिए किया, कोई पार्टी नहीं किया, कोई व्यक्ति नहीं किया। आम किसी को छोड़ा नहीं है, सीबीआई भी करा दिया उस पार्टी के व्यक्तियों को, जो आरोप लगा था मेरे ऊपर में कुछ लोगों ने। उसके बाद एक कमेटी मुझे बुलाया, कुलदीप भाई ने मुझे बुलाया। हम सोचा हम लापते एमपी आए, तो कुलदीप जी सबको सामने में आम से फीता कटाया, ओपनिंग कराया, फिर बैठा हम लोगों ने। हमने उसको तारीफ किया, धन्यवाद दिया जी क्यों बुलाया। तो उसके बाद जब कुलदीप जी बोला, वो बात सुन लो, कुलदीप जी बोला जब अंडमान निकोबार को देखा तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं था। जब पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट में सरकारी दल, विरोधी दल, मंत्री, बड़ा मंत्री जो तारीफ विष्णु बद्रा करता है वो मैं सोच सकता नहीं हूं। पूरा पार्लियामेंट में 543 एमपी में एक एमपी विरोध करता है। मैंने पूछा नाम क्या है, बोला असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को मैं टुकड़े ही करता था, ये लिए गया था मैं, और कुछ नहीं था। सेकेंड उड़ीसा समाज, उत्कल संघ समाज, उत्कल में रथ यात्रा में प्रोग्राम क्या होता, राजा रथ को टांगता है, सोना को झाड़ू से मारता है। अंडमान राजा तो नहीं है, लोकसभा एमपी को राजा मानते हो लोग, बार बार मुझे बुलाता है। हम गया, उन लोगों ने पैसा कुछ मांगा, पैसा मैंने दिया। उस कार्यक्रम में अटेंड किया मैंने, उस कार्यक्रम में हमारा पार्टी का ऑल इंडिया बॉय मोर्चा की लेडी भी थी, नाम उसको नहीं बोलना चाहता हूं। बाकी मेरे हाथ से पीने का जो वाटर एटीएम, ये मैं बनाया, बोर्ड में नाम भी लिखा हुआ है। एक मुर्दा खारी, पूरा मुर्दा खारी का पूरा स्ट्रक्चर मैं एमपी लेट से बनाया। नाम दे मुक्ति धाम, बूढ़ा भी लगा है वहाँ के लोग, पानी मांगा फिर पानी के दिया। डेयरी फार्म जो वार्ड नंबर वो भी दिया, तो मुझे बुला के लेके गया। इसमें मैं कोई गलती नहीं किया, पुरस्कार शब्द में कहता हूँ। वो संसद है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। उस संस्था मुझे बुलाता है, जो संस्था मुझे बीजेपी को खड़ा किया है, जो नाम बताया सुब्रमण्य जी, करेकलन जी, हम लोग को राजगोपाल जी, बहुत लोग मुझे मिला। उत्कल समाज तो कितना रेस्पेक्ट हमको जो दिया, तो हम समाज के पास हाथ में मैं दायबद्ध हूँ। मैं लगता अपना मैं मन में से कोई गलती काम नहीं किया, इस पर आरोप कोई लगा मुझे उसमें कुछ बोलना नहीं है। विष्णु जी, जैसे कि आपने कहा आपको पार्टी ने बड़ा दायित्व दिया और भरोसा करके जो है अंडमान में भेजे काला पानी में कमल खिलाने के लिए, क्या लगता था कि आपको कमल काला पानी में खिल सकता था उस समय?
जो एक्चुअली मेरा गुरु है श्री अनुकूल ठाकुर जी, मैं मंदिर बनाया, मैं अपना घर नहीं बनाया, पैसा नहीं कमाया। अंडमान में घटना क्या हुआ था, मैं करता पियरलेस विम्को, ये काम करता था, जमीन खरीदा मथुरा 45 में खेती बाड़ी करता था। कुछ लोग संघ का लोग, कुछ स्वामी जी लोग मेरा घर में धर्मपत्नी का के बोला विष्णु को दे दो आप पार्टी बनाए बीजेपी, क्या करना पैसा आपको। उन्होंने वादा किया, मैं चल दिया दिल्ली पार्टी बनाने के लिए। December 31, 1989 में मैं दिल्ली पहुंचा, सुंदर सिंह भंडारे से मुलाकात किया। January 1, 1990 मुलाकात हुआ। उसके बाद April 23 में मुरली मनोहर जोशी प्रेजेंट भारत सरकार मंत्री थे, प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, मेरे घर 5 दिन रह के तिरंगा पर पार्टी बनाए April 23, 1990। मैं चल दिया अकेला, मेरा कोई परिचय नहीं था। बस में बैठा चला, उतरा कदमतला में, पान दुकान चाय दुकान में बात किया, समझाया, कोई रहने को दिया, खाने को दिया, पार्टी बनाना शुरू कर दिया। फिर चलते रहा डिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर, लोग जुटते गया। आपके शुरुआत का जब किए थे उस समय आपके साथ में कौन कौन जुड़े थे सर? देखो उस समय पर तो खास करके डिगलीपुर में ये अजय बरेके का बाबा प्रेसिडेंट बना फर्स्ट हमारा डिगलीपुर में। बहुत पुराना लोग, नए नए लोग आए, अभी बिल्ली गांव में हिरलाल बर्मन, मातब्बर, प्रफुल्लदा, CPM का डॉन था एकदम, वो लोग मेरे साथ आया। फिर और जुड़ा, एक एक करके आदमी बाहर बाहर निकलते रहा, फिर नया नया जुड़ा आदमी। तो जो मोर्चा का हम लोग वर्कर मांगता, तो ऑफिस था बाबूलैंड में, तो जो मोर्चा में आर मोहन को मिला, बाकी लोग को मिला, ज्वाइन कराया पार्टी में। आर मोहन जो मोर्चा से पार्टी प्रेसिडेंट तक बना भी है। विशाल बाद में आया, 1992 में आया। विशाल को मैं जिस तरह से अपना समझा अंडमान का बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए, मैं अपना PS भी बनाया, जिला परिषद में गया, उसके बाद दिल्ली जिसको लेके जाए कितने बार गया। विशाल को जिंदगी में आम सभी लोग को बनाया, कोई नहीं बोलेगा मैं बनाया, मैं गलत काम करके बनाया। इन लोग को कुछ आदत बुरा था ठीक करा मैंने, सिगरेट शराब बीड़ी मुक्त करके देश के लिए पागल बनाया, अयोध्या रामजन्म में कार्रवाई के काम किया, उसी पार्टी को बनाया मैंने। पार्टी बनाने के बाद में राजनीति, जो राजनीति मैं किया वो राजनीति में साम दाम दंड भेद मैंने नहीं किया, इस एक पॉलिटिक्स सीखा भी नहीं है। हमारे साथ जो जो लोग किया उसको बोल के क्या करना, जनता जानता है क्या किया मेरे लिए और क्या धोखा कौन दिया, वो ईश्वर जाने, वो जाने, कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, आज मुझे जहाँ जाओ जनता के बीच में एक ही पुकार है, CPM DMK, तमिल, तेलुगु, मुस्लिम, क्रिश्चियन, राठी, वो भी इवन पत्रकार जो बोलता है सब बोलता है आप जीत सकता है, आप काम कर सकता है, आपको तरह MP अंडमान नहीं होना चाहिए, प्रश्न दबेगा आपसे, बाकी दावे से दबेगा नहीं। ये बात सही है, प्रश्न से लड़ाई मेरा हुआ, 3-3 LG हटाया मैंने, CS को हटाया, बाकी को हटाया। हमारा अंडमान निकोबार जनप्रतिनिधि मैं हूँ, जनप्रतिनिधि तो इज्जत देना है, जनता का बीच में लड़ता हूँ। मैं व्यक्ति लड़ाई जिंदगी कभी किया नहीं था, बफर जोन मैं लड़ाई किया था, सुनामी बाकी जो जो लड़ाई मैं किया था, सब मैंने लड़ाई किया, बाबर जोन, जरा रिजर्व, मैं लड़ाई किया था। कौन था उस समय पर, भाई पर बेच दिया था कांग्रेस पार्टी ने, एंटोनी बेच दिया था, मैं मोशन मूव के पार्लियामेंट कॉलिंग अटेंशन, एंटोनी को क्या दिया, अरे एंटोनी का वोट, एंटोनी का उतरा हम अपने दुनिया नहीं देखा। बाद में आके बोला MP साहब गलती हो गया था, वो गलत काम हम लोग किया, बाद में भाई पर भी बचा। ये जंग में लड़ाई में कौन कौन लोग सामने थे, कौन कौन सामने लोग थे, मेडिकल कॉलेज मैं लाया था अंडमान निकोबार में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का समयकाल में, IIT मिनट्स में लिखा होता है PPP मोड में होगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में होगा। मैं पूरा अंडमान निकोबार को बोला था अपोलो से, अमृता से, रामचंद्र से एग्रीमेंट करके मेडिकल कॉलेज खोलो, PG कोर्स खोलो। अपोलो ऑफर दिया था हमको 239 crores, 30 सीटों का 5 सीट अंडमान PG को देगा, 25 सीट बाहर से बेचेगा। अपोलो PG कराएगा हम लोग को तो अंडमान को अच्छे लोग कहाँ जाएगा, अपोलो पढ़ाएगा अंडमान मेडिकल कॉलेज,
50 सीट मिले, बाकी 50 कैसे भी कमाए। तो अंडमान का सर्टिफिकेट एप्पल रामाचंद्र अमृता एमबीबीएस का क्या कीमत होगा? आज तो कुछ बोलना नहीं, एक ने गलती हम लोगों ने किया और गलती करने में मुझे नाम नहीं कहूंगा, बहुत लोग जानता मैं कौन कौन गलती में था, भाईपा दीप बेचने में कौन कौन समर्थन में था, मैं सबको नाम जानता हूं, मेरा अंदर में सब कुछ छुपा है। ये मेमोरी पूरा मेरा काम करता है, जोश मेरा पूरा काम करता है, वो मैं खोलना चाहता नहीं। हाँ, ये जरूरत पड़े तो मैं पोल खोलने में बिल्कुल डरूंगा नहीं है। दादू, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने पार्टी को शुरुआत किया था 99 में, तो उसके बाद में कई लोग आपके साथ में जुड़े थे, चाहे डिगलीपुर से लेके चाहे आपका कैंबलबे तक हो, काफ़ी लोग जुड़े थे। आज 2022 आ चुका है, 23 आने वाले, कितने लोग अभी भी आपके साथ में उस समय के लोग जुड़े हैं सर? वो तो मेरे बहुत ही विश्वास गुजर गया जी। हम लोग गौतम ईश्वर का बाबा गुजर गए, बहुत लोग गुजर गया, अयोध्या का आर्ष में गया था वो गुजर गया, बहुत लोग गुजर गए जो जीवित है उस जीवित है सब। आप आज भी मेरे एक आदमी है प्रफुल्ल मिस्त्री बिल्ली गांव जी, इसका बहन है हैवलॉक में जी, 1991 में हैवलॉक में काम करने को आया था ना, तमना है। उन्होंने मुझे एक बात बोला, बहुत दुख लगा, जिन व्यक्ति ने खून पसीना दे के बिल्ली गांव सीपीएम कांग्रेस का डर से नंडी मंडल का सामने में, नगलांध्र का सामने में बीजेपी पार्टी बना के आगे बढ़ाया, उसके साथ एक व्यक्ति ने अच्छा काम नहीं किया, वो करप्शन कार उसको बाबा है, जो बोलता मुझे दर्द होता है। मेरे पास ऑफर था पूरा, मैं 25 करोड़ एमपीलैड में काम किया, ऑल इंडिया फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, 25 पैसे किससे नहीं लिया मैं, सीआरएफ का फंड लाया 240 करोड़, कोई नहीं बोलेगा पैसे किससे मैं लिया, म्यूनिसिपल रोड मैंने बनाया सीआरएफ फंड से, कौन दिया? गाटकर जी ने दिया। मैं उत्तरा ब्रिज बाल्टन ब्रिज किसने लाया था, नेशनल हाईवे कौन लाया था, बट दुख लगता है रोहसल प्रोग्राम मुझे बुलाता नहीं है, ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ बिहेवियर, सेलुलर जेल में मुझे बैठा है 3 दिन के पीछे में, एक संग प्रोटोकॉल भी तोड़ता है लोगों ने, ये क्या सही है क्या? मैं पूछता हूँ, और मैं मेरे पास ऑफर बहुत था, बाकी लोग जानता नहीं, प्रधान मामूली घर बना देता, समिति घर बना देता, 3 बार एमपी, मैं कमाने से कमाता 10,000 करोड़, ओएफसी केबल, नेशनल हाईवे, 2 ब्रिज, मरीन डॉकयार्ड, ओनिशी स्कीम, क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। और हमने सच बात कहता हूं, जिस तरह से मोदी जी, अमित शाह, गडकर जी समर्थन हमको पार्लियामेंट में किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर धन्यवाद करूंगा। विष्णु जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा, तो कुलदीप राय शर्मा जी ने आपको बुलाया और आपने आपका आप गए, और साथ ही साथ आपके पार्टी के वर्कर्स भी थे जिनका नाम आपने लिए, जो जिनके बुलाने के बाद आप गए। सवाल आज भी ये है विष्णु जी, क्योंकि 3 बार आप सांसद के लिए चुनाव लड़े, तो साथ ही साथ आपके विरोध में कुलदीप राय शर्मा जी भी खड़े थे, बक्ता जी भी था जी, बक्ता जी भी थे। विष्णु, कुलदीप राय शर्मा जी हमेशा जो है आपका विरोध करते थे, क्योंकि वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहते हुए एक एमपी का दायित्व, वो कोशिश करते कि वो भी जीते, तो वो भी इलेक्शन लड़े थे आपके सामने 3 बार। तो वैसे में आपको उचित था इस मीटिंग में उनके साथ में जुड़ना, क्योंकि लोग ये भी पूछेंगे, क्योंकि जैसे आपने अभी वाईफार आइलैंड की भी बात की है, तो 2014 में, जहाँ तक मुझे पता है 2014 में जब इलेक्शन में आप खड़े थे, तो उस समय जो है आप हर गांव में जो है घूम घूम के ये बोल रहे थे कि 1 रुपया में कुलदीप राय शर्मा जी जो है वाईफार आइलैंड को बेच रहा है। तो वैसे में आप अगर उनके साथ में जुड़ रहे हैं, आप उस समय कई बार जो है उनको ये भी बोले कि चोर है 1 रुपया में बेच रहा है, तो वैसे में ये सही है क्या? एक बात, कुलदीप क्यों गए मैं जी, मैं एग्जाम्पल दूँ, 1990 में एमपी बना था जी, 99 में जी सीबीआई कहाँ कराया था मैंने, पोर्ट ब्लेयर के किसी का भाई को, सही है कि नहीं? वो भी बता दें तो अच्छा है, जनता को मालूम होगा। अतीत को बहुत बार पार्लियामेंट में बोला, बहुत जगह मैंने बोला, नंबर वन जितना आंदोलन मैंने किया था अंडमान धरती में, चिदम्बरम को घेरा सिब्बी घाट में, घेरा नमूना घर में, विधवास्त मत में जो मर्जी उसको दिया, चिदम्बरम को सामने दिया खेत का जमीन को लेकर, आम दिल्ली लड़ाई करने गया था, 9 लाख खेती को देगा क्या बोला, लड़ाई किया, वो लड़ाई अंडमान लड़ाई था, तभी तो बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी लोग आया,
सीपीएम बीजेपी में आया, डीएमके बीजेपी में आया, एडीएमके बीजेपी में आया, अंडमान तमिल तेलुगु यूपी मुस्लिम क्रिश्चियन राठी सब जोड़ा एमपी लैट फंड में। हम न्यूट्रल काम किया, कब्रिस्तान फनिक्स बे बना दिया। क्या बहुत बुरी डिफरेंस उसके अंदर में। एक उदाहरण देता हूँ, स्कूल छागड़ तरा सीबीएस एफिलेशन होगा नहीं, क्योंकि उनका लैंड फुटबॉल ग्राउंड कम जमीन है। मुझे फादर ने बुलाया, बिशप स्वामी ने बुलाया, गया रिक्वेस्ट किया, मैं सीबीएसई नॉर्म्स चेंज करा, शिक्षा मंत्री एडुकेशन मिनिस्टर से चेंज करा के दिया लैंड इनको दिया। नंबर इस क्वेश्चन स्कूल का नाम क्या है, कार्मल स्कूल, कार्मल स्कूल के पीछे निर्मल स्कूल दिया। मैं क्यों नहीं देखा, छात्र तरह को दिया। फिर बाद में कॉन्वेंट स्कूल को हुआ, बाकी स्कूल को हुआ, शिक्षक स्कूल का हुआ। तो अंडमान में काम नहीं देखो, पार्टी में बीच में काम को लेके आज भी। एक बात सुनिए, कुलदीप से नाता मेरा सिर्फ व्यक्तिगत नाता है जी। और कुछ नहीं है, सुनिए। अच्छा, व्यक्तिगत में चर्चा होता है, बाकी पार्लियामेंट लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट कैंटीन में खाना खाते सब मिलके, कमिटीज होता है, स्टैंडिंग कमिटीज, सब सब पट्टी रहते हैं, सब जगह मिलते। तो इसमें हमको क्यों जोड़ता है, क्या बोला। और मैं, मुझे जब इस बार टिकट नहीं दिया था, 14 को याद है रुपया किसने लिया था, याद है आपको, आपको अच्छा याद है। सीडी भी चलता था मेरे खिलाफ में, फिर मैं जीता था, वो तो अतीत हो गया। फिर पता आया को हुआ, अभी अभी जो चुनाव 19 में हम थोड़ा ना काम किया, मैं जानता हूँ। मैं शपथ का दिन में जो फॉर्म भरने गया था, कौन आदमी व्यक्ति हमारे साथ फॉर्म भरने नहीं गया था, जो तैयार किया मैं, आदमी बनाया मैं, दिल्ली बनाया, मतलब चेयरमैन बनाया मैं उसको, वो जो किया किया, उसमें क्या हुआ। और इसमें मैं राजनीति में किसी का पक्ष में नहीं है। कुलदीप बुलाएगा हमारा कार्यकर्ता जो हमसे एमपी बांट मांग के बुलाया, ये तो कुलदीप को धन्यवाद देता हूँ मैं। इंडियन पॉलिटिक्स में कोई जगह में एक एमपी जो काम कर रहा था, वो एक प्रेजेंट एमपी पिता काटता है। भक्ता जी कितना पिता मेरा काटा, भक्ति का पिता मैं काटा, ये पहले बार कुलदीप को धन्यवाद दूंगा, अच्छा काम किया। विष्णु जी देखिए, इलेक्शन जैसे खत्म हुए उसके बाद में तुरंत बाद में बहुत जगह पर डिगलीपुर से लेके अंडमान निकोबर में बहुत जगह में जो है इसी तरह पिता काटा गया। तो वैसे में उस समय क्यों नहीं बुलाया आपको, अभी इस समय बुला रहा है तो कुछ तो मकसद होगा। देखो सुनो, देखो ये बॉबी का दिमाग में मेरे दिमाग में नहीं है जी। नंबर वन सुनो जी, हमारा दिमाग क्लियर है जी, हमारा दिमाग में वो हमको देखा है जी। इस डिगलीपुर में कांग्रेस पार्टी को खतरा कौन, कौन व्यक्ति बताओ, नाम बताओ। विष्णु पदराय, जोर से बोलो विष्णु पदराय। इसमें कोई डाउट नहीं, देखिए आज भी हम लोग ये बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि विष्णु पदराय जीते। कुलदीप से नाता एमपीलेट से हुआ, बाकी नाता था मेरा, उसके पिताजी मेडिकल बीमार था। हम देखने क्या है, बुरा क्या, क्या बोलिए। हम हाथ पकड़ कुछ बात बोला, मैं सुना ना, ऑनर किया मैंने ना, क्या बोला, ऑनर किया मैंने, कोई व्यक्ति बीमार था, ये ना हम तो अंडमान निकोबर से तैयार हुआ, क्या बोला। हम तो पीएलएस लाइफ में काम करता था, सब में काम करता था, हमारा मंदिर के लिए भिक्षा सबसे मांगने गए, मैं भिक्षा मांग मांग के बनाया। तो व्यक्तिगत तो नाता, पॉलिटिकली हम दोनों में बहुत डिफरेंस, हेयर एंड हेवन, क्या बोला। अंडमान निकोबर में 50 साल कांग्रेस राज में शायद ईश्वर का कृपा में पलाने से अंडमान और को होता था आज, क्या बोला। तो इसमें उनके पार्टी में जो करे, अभी जो व्यक्ति गया उस व्यक्ति को अपना काम करने दो, क्या बोला, उसमें मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। और मैं अभी पार्टी, मुझे जिम्मेदारी कोई दिया नहीं, पार्टी रखा मेंबर कोर कमेटी, कोर कमेटी से काम करता हूँ। विष्णु जी जैसे कि 1999 में आप यहाँ पे आए, वैसे में आज एक जो कल यहाँ पे एक मंत्री आया हुआ है एल मुरुगन जी, और वहाँ पे भी उनके जितने भी कार्यक्रम हुआ उसमें भी आपको दिखाई नहीं दिए, तो उसका क्या रीज़न होगा। अभी आज उनका डिगलीपुर में भी उनका दौरा है, वहाँ पे भी कई सारे कार्यक्रम हैं। अब इतना सीनियर लीडर और अंडमान निकोबार में आप कमल को खिलाने में बड़ा योगदान था आपका, तो वैसे में क्यों दूर रख रहा है आपको पार्टी। मैं 75 में अंडमान आया था जी, 1990 पार्टी बनाया जी, फिर लड़के सांसद बना जी, फिर जीता, फिर हारा, फिर जीता, जो काम के जनता जानता है। देखो क्यों हमको नहीं बुलाया गया, ये मैं आपको सामने नहीं बोल सकता, अच्छा भी नहीं मेरा, क्या बोला। हम इस बात को ऊपर ऊपर लूंगा ऊपर बात करूंगा, ये कन्फर्म।
हमने हमको हम इस बारे में और कुछ बोलना नहीं मांगता आज, अच्छा नहीं, क्योंकि अपना घर का बात आपको लेगा, मीडिया में कहाँ उछलेगा, क्या उछलेगा, मीडिया का काम तो है। बट इस बारे में जो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, इस बारे में जरूर बात उठाऊंगा दिल्ली में। आखिर में ये बता दीजिए विष्णु बजरा जी, जनता को आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे और पार्टी से जुड़े बाकी जो भी बातें हैं जनता के सामने क्या रखना चाहेंगे? देखो, कुछ लोग बोलता है मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा जी, लोग बोलता है टिकट इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ। मैं उधर कहता आपको, पिछले जो लोकसभा इलेक्शन 19 में जब टिकट हमको नहीं दिया, टिकट को लेके क्या हुआ सब जानता भी है, आप तो अच्छा जानता है, साइन आए, वीडियो आए, पैसा है, आपको खुद ही प्रमाण है सामने, क्या बोला, वो भी पार्टी के पांच पदाधिकारी है, सब किया, हम अपना जीता, हम किसी के खिलाफ में कुछ नहीं किया, काम किया। आज लोग जहां जहां आ जाओ, अंडमान का 90% लोग विष्णु बोधराय विष्णु बोधराय विष्णु बोधराय कहते हैं, धर्म जात कास्ट कोई नहीं बोलता, हमको बोलता है, एकदम सही है, 100% सही है, ये एनालिसिस है जनता का, बोलता लोग अब इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ। पिछले बार हमको इंडिपेंडेंट खड़ा होने बोला था, रुपए तक 8 करोड़ हम गया था इंडिपेंडेंट खड़ा होने कैंपेन करके सोलदर से आया था, जब गुरु गृह मेरा गुरु को बोला नहीं नहीं अब इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं सकता है, जिस पार्टी को बनाया उस पार्टी में आप रहना, इसलिए मैं उद्योग कर दिया, इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं हुआ। आगे फिर बोलता हूँ, टिकट बीजेपी दे ना दे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इंडिपेंडेंट कोई जगह खड़ा नहीं जाता हूँ। तो एकदम क्लियर है विष्णु जी कि आप आने वाले चुनाव में भी कभी जो है अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देता तो आप चेहरा नहीं होगा एमपी कैंडिडेट के? नहीं, बिल्कुल नहीं होऊंगा, मैं जानता हूं जनमत, मैं जानता हूं जनमत, जनमत जानता हूं, लोग जानता हूं। आज मुझे जहां जाओ, ये कोई अंडमान का तमिल तेलुगु यूपी रांची मुस्लिम क्रिश्चियन जो मेरा विरोधी था ऑफिसर था, धमकी दे काम कराया, इंडिपेंडेंट खड़ा जाओ, इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ। हम फिर बोलता हूं, मेरा गुरु का आदेश, जिस पार्टी का पेड़ मैंने बनाया उस पेड़ को मेरा हाथ से मैं नहीं काटूंगा, टिकट मुझे ना दे बीजेपी में रहूंगा। थैंक यू विष्णु पद्रा जी, आप हमारे साथ में जुड़े हमारे स्टूडियो में, धन्यवाद। देखिए ये थे विष्णु पद्रा जी जिनसे हमने बात की, क्योंकि ये हम भी जानना चाहते थे कि विष्णु पद्रा जी का ऐसा क्या परिस्थिति आया कि जो अभी के जो सिटिंग एमपी है कुलदीप राय शर्मा जी, उनके साथ में जुड़ने का क्या रीज़न है, क्योंकि ये जनता भी जानना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ये वीडियोस और कई सारे फोटोज सोशल मीडिया में आए तो हम भी उसको एक न्यूज़ बनाए थे ताकि लोगों के, देखिए मीडिया काम है सच लोगों के बीच लाना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगा कि विष्णु जी भी कहीं ना कहीं इनके साथ में मिलने से ये हो सकता है कि आने वाले राजनीति में जो भी आवाज़ उठ रहा है अंडमान निकोबार में, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला एक ही लीडर है अंडमान निकोबार में, वो विष्णु पद्रा जी, और उनको छोड़ के कोई नहीं है। ये आप पूरे डिगलीपुर से लेके कैबल पर तक पूछ लीजिए, एक ही इंसान है जो आवाज़ उठाते हैं, और जो आवाज़ नहीं उठाता सबसे पहला नंबर आता है वो कुलदीप राय शर्मा जी, जो कभी आवाज़ नहीं उठाते। तो वैसे में दोनों का जुड़ने से क्या अंडमान निकोबार के जनता को आने वाले दिनों में क्या काफ़ी दिक्कतों का सामना हो सके, तो इसको रोकने के लिए जो है हमने सोचा कि इनका भी एक इंटरव्यू ले लें ताकि जो है ये लोगों के बीच सच सामने आ सके। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।